नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार। आप है न्यूज फोर नेशन पर। खबर बिहार से, जहां पर जगदानंद सिंह जो कि आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और अभी हाल में ही निर्विरोध फिर से उसी पद पर आरजेडी ने उनको नियुक्त किया है, लेकिन वो नाराज चल रहे हैं पार्टी से। और खबर ये है कि वो अब इस्तीफा देने के लिए दिल्ली जा रहे हैं, जहाँ पर वो लालू यादव यानी कि जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनसे मुलाकात करके उनको इस्तीफा सौंपने वाले हैं। उनके बेटे सुधाकर सिंह का जिस तरीके से इस्तीफा लिया गया और जिस तरीके से जगदानंद सिंह से ही बयान दिलवाया गया, इस बात को लेकर वो बेहद आहत हैं। जानकार बता रहे हैं कि आज शाम वो दिल्ली के लिए रवाना होने वाले हैं और वहाँ वो लालू यादव से मुलाकात करके इस्तीफा देंगे। बता दें कि तेजस्वी यादव ने उनको मनाने की काफ़ी कोशिश की है, लेकिन जगदानंद सिंह इस पर मानने को तैयार नहीं है। पिछले कुछ दिनों में जगदानंद सिंह जो हैं वो इसलिए नाराज हैं क्योंकि सबसे पहले तो उनके बेटे सुधाकर सिंह ने जो बातें कहीं, उसके बाद उनका इस्तीफा लेने के लिए दबाव बनाया गया। लालू यादव ने उनका इस्तीफा मांगा, जिसके बाद उन्होंने इस्तीफा दिया और जगदानंद सिंह ने ही बयान दिया था कि जो सुधाकर सिंह हैं कृषि मंत्री जो थे, उन्होंने अपना त्याग पत्र तेजस्वी यादव को भेज दिया है। और इस ऐलान के बाद से उनकी नाराजगी जो है वो सामने आ रही थी। कहा यह जा रहा था कि जिस तरीके से इस्तीफा लिया गया है, जिस तरीके से उनसे बयान दिलवाया गया है, उस बात से वो बेहद आहत हैं। एक बार ऐसा पहले भी हो चुका है जब तेज प्रताप यादव की वजह से जो है उनकी नाराजगी जो है वो सामने आई थी। तेज प्रताप यादव ने उनको हिटलर कहा था और इस बयान के बाद थोड़े वो आहत थे और कई दिनों तक पार्टी दफ्तर नहीं पहुँचे थे उस दौरान। हालांकि तेजस्वी यादव के मानमनोवल के बाद वो बाद में मान गए थे, लेकिन इस बार उनके तेवर बेहद तल्ख बताए जा रहे हैं। हालांकि उन्होंने मीडिया से कोई बातचीत नहीं की है जब से ये पूरी बात सामने आई है। इस्तीफे के बारे में जब उन्होंने आधिकारिक तौर पर कहा था सुधाकर सिंह को लेकर के, उसके बाद से उन्होंने मीडिया से दूरी बना ली है। उनके करीबी विश्वस्त सूत्र बता रहे हैं कि वो नाराज चल रहे हैं पार्टी से और वो अब लालू यादव से मिलकर के इस्तीफा देंगे, क्योंकि सुधाकर सिंह तो एक कारण है ही, लेकिन जिस तरीके से उनसे ही बयान दिलवाया गया, इस बात को लेकर के भी जो नाराजगी है वो उनकी बनी हुई है। और बीजेपी ने ये तक कहा था एक वक्त में कि नीतीश कुमार ने जो है जगदानंद सिंह को लेकर के मूछ का सवाल बना लिया है, वो किसी कीमत पर उनको देखना नहीं चाहते, उनका इस्तीफा चाहते हैं। लिहाजा जगदानंद सिंह के ऊपर जो है आरजेडी का प्रेशर है। जगदानंद सिंह ने एक बयान भी दिया था जिसकी वजह से उनके ही बयान के बाद उनको चिट्ठी जारी करनी पड़ी थी। बयान ये था कि नीतीश कुमार जल्दी दिल्ली चले जाएंगे और 23 में जो है तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। सब कुछ तब होगा जब चुनाव नहीं हो रहे होंगे, ये बड़ी बात जो है कहने की कोशिश की गई थी जगदानंद सिंह की तरफ से। और उसके बाद इस बयान को लेकर के जदयू ने काफ़ी जो है वो एक तरीके से की आलोचना, नाराजगी जाहिर की थी इस बयान पर, जिसके बाद जगदानंद सिंह को चिट्ठी जारी करनी पड़ती, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि जो भी पार्टी के लोग हैं वो महागठबंधन को लेकर के, रिश्तों को लेकर के कोई बयान जो है आरजेडी में जो भी नेता हैं वो नहीं देंगे। और इस बयान के बाद से ये माना जा रहा था कि उनको ये चिट्ठी जारी करने के लिए प्रेशर डाला गया उनके ऊपर, और इसी चिट्ठी के बाद से उनकी नाराजगी और बढ़ गई है। अब वो इस्तीफा देंगे तो क्या वो स्वीकार होगा या नहीं, क्योंकि ये राष्ट्रीय अध्यक्ष का फैसला होगा, लेकिन जगदानंद सिंह अब पार्टी में नहीं रहना चाहते हैं, ये खबर सामने आ रही है। और देखिए सुधाकर सिंह का भी बयान अगर आप देखेंगे तो लगातार उनका बयान जो है वो सरकार की नीतियों पर सवाल खड़े करते हुए नजर आ रहा है। वो ये तक कहते रहे हैं कि कृषि घोटाले, कृषि जो रोड मैप है उसमें बड़ा स्कैम हुआ है, ऐसा शक है उनको। ऐसे में सरकार को जाँच करवानी चाहिए क्योंकि इतने हज़ार करोड़ रुपये खर्च हुए हैं लेकिन किसानों को कोई फ़ायदा नहीं मिला है। बिहार में जगदानंद सिंह और उनके बेटे की वजह से महागठबंधन में सब कुछ बेहतर नहीं चल रहा है और जगदानंद सिंह अब दिल्ली रवाना होने वाले हैं, जहां पर सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक वो लालू यादव से मिलकर के उनको अपना इस्तीफा सौंप सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।